सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अभी तक हफ्ते में मॉस्को के लिए 2 विमान उड़ान भर रहे थे। एयर इंडिया के रूस के आसमान में लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब दोनों ही देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर रोक लगा दी है। अभी तक अगर जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो मॉस्को के लिए एयर इंडिया के 2 विमान उड़ान भर रहे थे, लेकिन खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। रविकांत, युद्ध तो महीने भर से ज्यादा समय से चल रहा है, अभी एकाएक ये फैसला किस वजह से लिया गया? देखिए, अभी तक उड़ानें जा रही थीं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो इंश्योरेंस का काम देखती हैं, उन्होंने अचानक से मना कर दिया कि जो उड़ान रशिया के ऊपर से होगी उसका हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, और ऐसे में किसी भी विमान को ले जाना खतरे से खाली नहीं होता है। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां खुद ये एजम्पशन कर रही हैं कि वहां पर खतरा हो सकता है, तो एयर इंडिया अपनी ओर से न तो यात्रियों को खतरे में डाल सकती थी और न ही वो बिना इंश्योरेंस के अपना उड़ान जारी रख सकती थी। तो चूंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है वहां रशिया के आसमान में थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए, इसलिए एयर इंडिया ने ये फैसला लिया है और रशियन एम्बेसी को ये सूचित किया है कि अभी तक जो विमान बुक थे, जो यात्रियों ने टिकट बुक करा रखा था, उनका फुल रिफंड वो देगी। जी, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए रविकांत, अब भारत और मॉस्को के बीच सीधा हवाई सफर जो है अब वो नहीं होगा? उसमें ये जो रशियन एम्बेसी का कहना है, उसका कहना है कि जो दूसरे अदर रूट है, जैसे दुबई वगैरह होकर के फ्लाइट जाती हैं और इस समय जा रही हैं, तो जो यात्री रशिया जाना चाहते हैं वो ट्रांजिट फ्लाइट लेकर के रशिया जा सकते हैं। दुबई और आसपास की जो कंट्रीज में जाती हैं फ्लाइट, पहले उससे उनको दुबई जाना होगा और फिर वहां से मॉस्को जाना होगा। ABP News, आपको रखे आगे।